तानाशाही नहीं चलेगी, हमेशा तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, देश के संविधान के साथ छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे, देश के संविधान के साथ छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे, देश के संविधान के साथ छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो, सीएबी वापस लो, सीएबी वापस लो, सीएबी वापस लो, काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो, सीएबी वापस लो, सीएबी। बिलखुसूस शुक्र अदा करते हैं अपने नबी करीम के तमाम भाइयों से कि आपने अपने कीमती वक्त को कुर्बान करके आप मौलाना महमूद मदनी साहब जमीयत उलमाए हिंद के जनरल सेक्रेटरी की आवाज पर यहां आए। आप तमाम लोगों का शुक्रिया। अब एक शेर पर काम खत्म। आपकी जिंदा दिली को हमेशा जिंदा रखने के लिए अब तो जागो मेरे खाबीदा वालों, मैं अब तो जागो मेरे खाबीदा कबीले वालों, वक्त का हाथ गरीबों तक आ पहुंचा है, अब आपको खड़ा होना है। मदनी साहब आ रहे हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी। कानून ऐसा तरतीब दिया, ऐसा कानून बनाया जो हर बाशिंदे को उसका हक देता है, लेकिन इस वक्त एक जालिम और जाबिर हुकूमत जो अपने नशे में चूर है, वो ये चाहती है कि हिंदुस्तान के आवाम के अंदर तासुब और फिरका परस्ती भर ली जाए और हम हमेशा के लिए इस सत्ता पर काबिज हो जाए। इसीलिए दफा 6 और दफा 11, दफा 15 और दफा 14, दफा 25 के खिलाफ इस कानून को हिंदुस्तान के आवाम पर तोड़ने की कोशिश की गई है, जो हिंदुस्तान के अवाम के अंदर निफाक और तासुब और फिरका परस्ती भरेगा। अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।